चंद्रपुर महानगरपालिका के सफाई एवं घंटागाड़ी कर्मचारी पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कामबंद आंदोलन कर रहे हैं, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। जगह जगह कचरा जमा हो रहा है, नागरिक परेशान है। वही सफाई कर्मचारी जब तक आयुक्त विपिन पालीवाल उनके आंदोलन स्थान पर आकर ठोस आश्वासन नहीं देते, तब तक आंदोलन वापस न लेने के अपने फैसले पर डटे हैं। इस बीच वंचित बहुजन महिला आघाड़ी ने सफाई कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन घोषित किया है। मनपा के सफाई कर्मचारी संत गाड़गे बाबा असंगठित कामगार संगठन के बैनर तले सफाई कामगारों को न्यूनतम वेतन मिले, सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के ठेका में कार्यरत कामगारों के उपदान की राशि उनके खाते में जमा करने, वेतन की पर्ची कामगारों को देने, दिवाली का बोनस बैंक खाते में जमा करने, जिन कामगारों को काम से निकाला गया है उन्हें बिना शर्त वापस लेने आदि मांग को लेकर यह कर्मचारी बाईपास मार्ग पर डंपिंग यार्ड के सामने आंदोलन कर रहे हैं। कचरा ढोने वाली गाड़ियां वही खड़ी की गई है और कर्मचारी भी धरना देकर बैठे हैं। प्रशासक उनके आंदोलन की दखल नहीं ले रहा है। कामगारों को कुछ दिन न्यूनतम वेतन देने के बाद बंद कर दिया गया, जिससे वह काफी आक्रोशित है तथा न्यूनतम वेतन तुरंत चालू करने की मांग कर रहे हैं। श्री संत गाड़गे बाबा संगठित कामगार संघटने तर्फे हा आंदोलन आमचा 6वा दिवस आहे आणि आम्ही इथे बसलो आहोत हे आमचं किमान वेतन मागण्यासाठी, कारण की आमचे किमान वेतन जे वाढले होते ते 1 वर्षापूर्वी कमी करण्यात आले आणि 1 वर्ष आम्हाला किमान वेतन मिळाले आणि त्याच्यानंतर 1 वर्षाच्यानंतर ते कमी करण्यात आले। हे म्हणजे वाढलेलं वेतन हे कधीच कमी होत नसते आणि ह्या प्रशासनाने दिवसेंदिवस महागाई वाढत चाललेली आहे आणि ह्या प्रशासनाने आमचे वाढलेले वेतन कमी केलेले आहे, तर अशा प्रशासनाचा मुर्दाबाद नाही करणार तर काय करणार? आम्ही कुठं चुकलेलो आहोत आम्हाला सांगा। आम्ही जर का चुकलो असतो तर आम्ही इथे बसलो नसतो आणि त्यांनी आज आम्हाला तुरुंगामध्ये टाकलेले असते, पण आम्ही चुकलेलो नाही। आम्ही सत्याच्या याच्यावर चालत आहोत आणि सत्य आहे म्हणून आम्ही इथे बसलेलो आहोत आणि जे काही बोलत आहोत ते सत्याच्या याच्यावर बोलत आहोत। आम्ही जर का चुकलो असतो तर त्यांनी आम्हाला तुरुंगात टाकल्याशिवाय सोडले नसते आणि प्रशासनाचा मुर्दाबाद करत आहोत तरी पण प्रशासन चुकच्या पाय, याचा मतलब आहे की प्रशासन हे खरोखरच चुकून आहे आणि भ्रष्टाचार केलेला आहे हे आम्ही त्यांना सिद्ध पण करून दाखवू। आणि आमच्या घंटागाडीवाल्या लोकांचा पैसा खाऊन शान हे लोक डकारही घेत नाही आणि आमच्याबरोबर मीटिंग घ्यायलाही तयार नाही आहे। आयुक्त साहेबांना आम्ही काल बोलवणी केली पण आयुक्त साहेब आले नाही आणि उपायुक्ताशी आमची बैठक झाली पण त्याच्यातून काही आमचा मार्ग निघालेला नाही म्हणून आज आम्ही आणखी तिथून आल्यावर रात्रभर आम्ही इथे झोपलो, बेसन भात बनवून खाल्ला आणि आज आम्ही अजून घरी न जाता आंघोळ न करता इथे दिवसभर बसून राहू। जोपर्यंत आयुक्त येणार नाही आणि आमची मागणी पूर्ण करणार नाही तोपर्यंत आम्ही इथून हलणार नाही। कामगार एकता, कामगार एकता, आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर और क्या कौन सा आंदोलन कर सकते हो आप? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो आयुक्त साहब है यहाँ पे आने के लिए होना, हम अभी महानगर पालिका नहीं जाएंगे, हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे हो रहा आना चाहिए, चाहे वो दिल्ली में हो कि बम्बई में हो, यहाँ पे आएंगे हमारे से मुलाकात करेंगे और हमारे को अगर हमारे मन मर्जी का उसका रिजल्ट मिला तो हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। इसके आगे क्या करना है वो बोल मुलाकात होने के बाद ही हम आपको बताएंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मेटर्निटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, Pathology and Pharmacy. Our address, Vinoba Nagar, Kharpi Ring Road, Nagpur. Our contact, 866-879-2352-9801-980-100. शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट।
तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक बेलतरोड़ी रोड रामनगर नागपुर।